बुलंदशहर में उपचुनावों का खुलकर बहिष्कार किया जा रहा है। डीएम कॉलोनी में रास्ता बंद होने के कारण एक बार फिर स्थानीय लोगों ने घर घर चुनाव बहिष्कार करने के पर्चे चिपका दिए हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि रास्ता नहीं खोला जाएगा तो कोई भी वोट नहीं डालेगा। कॉलोनी में पर्चे चिपकने के बाद हड़कंप मचा है। बीते दिनों डीएम कॉलोनी में रास्ता बंद होने पर स्थानीय लोगों ने सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फ्लैक्स बिजली के पोल पर लगा दिया था। लोगों का आरोप है कि शाम को ही पुलिस कर्मियों से उतार कर ले गए थे, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया था। अब शुक्रवार को फिर पूरी कॉलोनी में घर घर मतदान बहिष्कार करने के पर्चे चिपका दिए हैं। पर्चे पर लिखा है, मेरा वोट मेरा अधिकार, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि रास्ता नहीं खोला जाएगा तो वोट नहीं डालेंगे। मंत्री मोदी जी तक पहुंचाइए, योगी जी तक पहुंचाइए। नहीं, मतदान तो सबका अधिकार है। विरोध क्या चाहेंगे? नोटा दबा के आ जाएंगे हम लोग। अब विरोध का दूसरा तरीका, विरोध का दूसरा तरीका है। मोदी जी, ये भाजपा का गढ़ है, ये जगह भाजपा की है, यहाँ सबको भाजपा से वोट जाते थे। भाजपा के नाम पे आप किसी को खड़ा कर दीजिए, हर आदमी जीतता था यहाँ से बहुत भाजपा को ही जाते थे। आपको बता दें कि डीएम कॉलोनी का रास्ता न खुलने के चलते घूमकर निकलना पड़ता है। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी हो रही है। अपनी बात मनवाने के लिए स्थानीय लोगों ने उपचुनावों का बहिष्कार किया है। पंजाब केसरी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।